जब एक सामान से होता है उसको पिता मान हो, चारित्रवान हो, श्रेष्ठ हो, तो बेटे को भी अपने आप में हर सोचकर बेटे में उसका बेटा चक्रवर्ती व्रत शंभु चक्री भाई कामदेव जब कहीं निकलता हुआ किसी ने पूछा किसके पुत्र आपको बोल मैं तीर्थन कर सब देता हूँ। इसलिए पिताओं को अपने बेटों को गर्मामयी दिखाना है, अपने स्वयं का जीवन श्रेष्ठ जीवन चाहिए, अपने शिष्यों को ही दीन बनाना हो तो गुरुजनों को अपने आप में श्रेष्ठ जीना चाहिए। जिसका गुरु हीन है उसके शिष्य दीन है, जिसका पिता हीन है उसके बेटे दीन हो जाते, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए जब पिता की मान होने पर बेटे में दम होते हैं, स्वयं बेटा इतना दमदार हो जाए पिता की पहचान बेटे के नाम से हो, राम से भगवान से। तो जब उस स्थान पर तुम जियो जिसका नाम बेटे आनंद आएगा। इसलिए जगती पाओ किसी भी जगह खड़े हो जाओ, हर दर्शन के बीच में तुम खड़े हो जाना, प्रत्येक दर्शन को मानने वाला व्यक्ति जब अपने आप में सरल स्वभाव में आता है वो मुखरित हो जाता है। जैसे आम मंत्री को देकर कोयल मुखरित हो जाती फूंकने लगती है, ऐसे हर संप्रदाय का भव्य जीव जिन शासन की मुखरित होती प्रशंसा करता है। जबकि पर कोई साधना का मार्ग है तो दिग्व्रत है, और झगड़े को नाश करने का मार्ग है उसका अनेकांत साधना है। लेकिन आप लोगों को मलयागिरी भिलिनिया बन के नहीं होना चाहिए बोले, पर आपको मलयागिरी ब्लूज छोटे मलयागिरी भिलिनी बन के नहीं होना चाहिए। मलयागिरी भिलिनिया भिलिनी भिलिनी बे चंदन की लकड़ी को जला करके हाथ सेकने तो की होती है इसमें जितने हमारे महान जिन शासन में तुम आए हो, शाबर शासन में आए हो, और वह आकर के तुम इसकी महिमा तुम्हारे अंदर नहीं शासन तो मलिया की फिर नहीं आओ। निर्विकल को ज्ञान होना चाहिए, अब मलिया की भीलिया ना बने। हाँ, जैसे चंदन का मुरली का मूठा वो घिसता है उनके माथे पर, मलिया चंदन है और लोग पूरे चंदन पानी है उसे चींटे मार मुंह से दूर जाती है। इस चंदन के चींटे लगाने से मुंह से दूर हो जाती है, ऐसे श्यावर निकालने का चींटे लगाने से मिथ्या की मुंह से समाप्त हो जाती है। हमारा क्या दिग दिग लोग हैं, दिग दिग लोग हैं चंदन के बगीचे को छोड़ करके बेसरम की लकड़ियों के बीच में जा रहे हैं। दिग दिग चंदन के बगीचे को छोड़ करके सुगंधित खुशबू जिसमें आ रही है उसे छोड़ करके बेसरम की लकड़ियों में जा रहे हैं। कोई गंदी बेसरम की लकड़ियों का धुआं देखो आंखें फोड़ देता है, पर चंदन की लकड़ी का धुआं भी सुगंध देता है। इसलिए साबा शासन जयवंत हो, क्या कर सकते पुण्यहीन को कुछ नहीं कर सकते। हाथी अंधा बना खड़ा है, देखते ही नहीं देख रहा है हाथी, उन्मत्त होकर खड़ा हुआ है हाथी, उन्मत्त होकर खड़ा हुआ है। धन्य चकोर जमीन पर खड़ा हुआ चांद को देख रहा है।
सुबी सकते दूर देश कष्टा महान है, इसलिए प्रभु आप महान हो यहाँ पर
प्रति वक्त हमेशा। इसलिए जब गुण प्रकट दिखते हैं तो हर व्यक्ति का मन कहता है मैं कुछ बोल लूं। जिनसेन जी जब पुण्य प्रचंड होता है ना तो हर व्यक्ति में कहता आओ जिनसेन जी पधारिए पधारिए। पहले बच्चा बोलते समेत कहाँ जा रहा है तो कहेंगे ओ मामा स्वामी जी बालक। तो यहाँ पर कह रहे हैं हर व्यक्ति गणधर भी अपने आप को कहते हैं मैं भगवान हूँ कि वर्धमान को नमस्कार करने का अवसर मिला है। पुण्य आत्मा जी भी हमारे भट्टारक भगवान महावीर की वंदना कर पाएगा, पुण्य जी भट्टारक महावीर की वंदना नहीं कर पाएगा। आपको मालूम होना चाहिए माँ भट्ट महावीर हो माँ भट्ट महावीर हो। आचार्य भीमसेन सोमी ने श्री धवला जी में भगवान महावीर के लिए भट्टारक महावीर लिखा हुआ है और वैष्णवी सोमी ने श्री मूलाचार्य की टीका में सर्वत्र भट्टारक शब्द का प्रयोग किया तीर्थंकर की। ठीक है ना, इसलिए भट्टारक शब्द महान शब्द है, उत्कृष्ट शब्द है। जैसे काष्ठा, अभी क्या समझा, काष्ठा लकड़ी नहीं है, काष्ठा नहीं पराकाष्ठा, अपनी उत्कृष्ट उत्कृष्ट जिन शासन में क्या है काष्ठा है उत्कृष्ट है पराकाष्ठा। इसलिए समझना चाहिए शेषा की इच्छा। जब एक सामान से होता है उसकी